क्यूबा के तानाशाह बतिस्ता को कास्ट्रो ने दिखाया सत्ता से बाहर का रास्ता। 1959 में आज ही फिदल कास्ट्रो ने क्यूबा के तानाशाह फुलगेंसियो बतिस्ता को सत्ता से बेदखल कर दिया था। 1953 में फिदेल ने बतिस्ता के खिलाफ कुछ लोगों की मदद से आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन बाद में हिंसक हो गया। अंततः दो बार क्यूबा पर राज करने वाले बतिस्ता को हार माननी पड़ी। भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर में युद्ध विराम की घोषणा। 1949 में आज ही भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर में युद्ध विराम हुआ था। अक्टूबर 1947 में कबालियों के भेष में पाक सेना ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। कश्मीर के राजा हरी सिंह कश्मीर के भारत में विलय को तैयार हुए और भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया। सत्येंद्र नाथ बोस ने सुलझाई थी मॉलिक्यूलर फिजिक्स की कई गुत्थियाँ। गणितज्ञ व भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1894 में आज ही कलकत्ता अब कोलकाता में हुआ था। 1924 में प्लैंक्स लॉ एंड लाइट क्वांटम शोध पत्र लिखा और विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन को भेजा। आइंस्टीन के बुलावे पर यूरोप गए और शोध कार्य किया। उन्होंने गणित के जरिए मॉलिक्यूलर फिजिक्स की कई गुत्थियां सुलझाने में मदद की। भौतिक विज्ञान में दो प्रकार के अणु हैं, बोसोन व फर्मियान। इनमें से बोसोन का नामकरण बोस के नाम पर ही हुआ। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।